तुम भेंदर पहुंच गई? क्या बात कर रही हो? नहीं मतलब क्या बात है, तुम पहुंच भी गई? तुम वहीं वेट करो, मैं 15 मिनट में पहुंचता हूँ। बाय बाय बाय, आई लव यू, बाय बाय। मॉम डैड जल्दी। क्या हो बेटा? रोशनी पहुंच चुकी है प्रशांत के घर के बाहर। क्या? ओ माय गॉड। तो फिर हमें मिडिल क्लास बनना पड़ेगा ना? जी हाँ, फटाफट। चलो, तू एक काम कर, तू प्रशांत को फोन कर दे कि हम लोग भी पहुंच रहे हैं। चलो मिडिल को रहना, चलो। फोन उठा प्रशांत, कम ऑन। मॉम वो फोन नहीं उठा रहा, आप लोग तैयार होइए, फटाफट तैयार होइए। इसका मतलब मॉम मुझसे सिद्धार्थ के पेरेंट्स की दहेज लेने वाली बात छुपा रही थी। अजी, तू दवाई नहीं खा रही है ना, इसीलिए तेरे पैर का दर्द नहीं जा रहा है। अरे बच्चों प्लीज लड़ो मत। Excuse me, एक मिनट, रुक जाओ। क्या कर रहे हो तुम? हटो। लगी आपको ऐसे लड़ता है कोई? हाँ बस हो गया। ओ प्रशांत, भाई बात सुन जरा। क्या हुआ? मैं फंस गया हूँ, रोशनी आ गई है मुझे बिना बताए। ये रोशनी? यही रोशनी है, मुझे तेरा घर चाहिए तुरंत। आई नीड योर प्लेस राइट नाउ। तू पागल हो गया क्या? ये सॉरी क्या कह रहा है भाई? तेरा ही घर है ये, ले। थैंक यू सो मच। ए, क्या तुम लोगों का रोज का नाटक? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, ये मेरा घर है। दादी जी, वो क्या है कि क्या है? मंगलवार है और क्या है, सिद्धि विनायक का दिन है ना, तो हम सोच रहे थे कि वो बाहर गाड़ी खड़ी है, एसी है उसमें, मुझे लगा आप ठंडी हवा खाते खाते दर्शन करने के लिए जाएंगी, तो आपकी वजह से हमको भी थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा। हैं? क्यों प्रशांत? बस हो गया। सिद्धिविनायक? हाँ। मेरा तो कब से मन कर रहा था दर्शन करने का। चलो प्रशांत, चलते हैं। जाओ बेटा, प्रसाद लाना मत भूलना है। अभी दोनों झगड़ा मत करना, ओके? जाओ। तुमसे भी मेरे बिना रहा नहीं जाता ना, एक दिन में दो बार मिलने चली आई। सिद्धार्थ, अरे क्या हो गया भाई? ऑल ओके? नो, नथिंग्स ओके। मैं तुमसे जवाब मांगने आई हूँ, चल क्या रहा है? क्या चल रहा है? मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी सिद्धार्थ, तुम ये सब करोगे। रोशनी, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या करोगे, क्या चल रहा है, तो साफ साफ बोलो। ओके, तुम्हारी माँ ने हमारे साड़ी वाले को बुलाया और पैसे मेरी मॉम ने दिए। मैंने कुछ नहीं बोला सिद्धार्थ, लेकिन आज ये डिमांड्स। ये लिस्ट कहाँ से आई? तुम बताओ कहाँ से आई? तुम मेरी मॉम को ये लिस्ट देकर आए थे ना? अरे नहीं बाबा, मैंने तुम्हारी मॉम को ये लिस्ट। कम ऑन सिद्धार्थ, फिर से एक झूठ। क्यों? मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें लिस्ट मॉम को पकड़ाते हुए। तुम लोग आज के जमाने के होकर भी ये दहेज जैसे फालतू के रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो। रियली डिस्गस्टिंग सिद्धार्थ। नो रोशनी, दिस इज डिस्गस्टिंग। तुम्हारी मॉम ने, कोई है जो इन माँ बेटी की दूरियां दूर कर सकता है तो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। क्या हुआ सिद्धार्थ, रुक क्यों गए? मैं जवाब चाहती हूँ सिद्धार्थ। क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? रोशनी, तुम हंस रहे हो? I'm sorry, मुझे अपनी बेवकूफी पे हंसी आ रही है। इतना बड़ा गधा, इतना बड़ा इडियट हूँ मैं मॉम। नहीं सीरियसली,
रोशनी के मॉम को एक दूसरी लिस्ट देनी थी मुझे, उनको अलग ही लिस्ट पकड़ा के आ गया हूँ। अरे बाबा ये लिस्ट मॉम जो आपने बनाई थी, रोशनी की मॉम को मुझे वो गेस्ट वाली लिस्ट देनी थी और ये पकड़ा के आ गया। बताइए मैं भी इतना भुलक्कड़ हूँ ना डैड, आप ही पे गया हूँ मैं। यार सेठ तू भी ये लिस्ट क्यों पकड़ा दी उन्हें? ये लिस्ट तो अपने लिए बनाई थी हमने बेटा, और तू उनको देकर आ गया। भाई तो बोल रहा हूँ मॉम, अव्वल दर्जे का गधा हूँ मैं। रोशनी ये लिस्ट जो है ये मेरे मॉम और डैड ने बनाई है। ये सारी चीजें जो है, प्लाज्मा टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, डबल बेड, अलमीरा, वॉशिंग मशीन, सोफा सेट, सारी चीजें हमारे काम आने वाली हैं। और इसीलिए मेरी मॉम ने सोचा कि ये सारी चीजें खरीद के वो तुम्हें दे देंगी, यानी कि अपनी बहू को दे देंगी। और तुम हम पे दहेज लेने का इल्जाम लगा रही हो। सच में रोशनी, मॉम आप रोशनी को वो साड़ी वाले के बारे में क्यों नहीं बताती? साड़ी वाले? वो साड़ी वाला? अच्छा वो साड़ी वाले, वो साड़ी वाले, वो भी इसको बता दीजिए, क्योंकि हमारी रोशनी को ये लगता है कि हम इसके फैमिली से दहेज लेने वाले हैं। नहीं बेटा, हमें तुम्हारी पसंद नहीं मालूम थी ना, तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे साड़ी वाले को बुला लें, से फिर हमारे थोड़े पैसे भी बच जाएंगे और तुम्हारे पसंद की तुम्हें साड़ी भी मिल जाएगी। आंटी, अंकल, I'm really sorry. नहीं बेटा, it's okay. नहीं 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 बाबा, सॉरी बोलिए। देखिए अरे रिपोर्ट लिखवाओ हमारी, हमें जेल भिजवा दो, 7-7 साल की तो लगेगी हमको। और तू क्यों परेशान कर रहा है? ए, मैं परेशान कर रहा हूँ ये? चुप, बिल्कुल चुप। खबरदार जो उसे परेशान करा तो, ए? वरना जा यहाँ से। चुप। आंटी, अंकल, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई। सॉरी रोशनी, तुम्हें एक सजा मिलेगी। मॉम डैड, माताजी पिताजी, मम्मी पापा, तुम चाहे कुछ भी कहो लेकिन आंटी अंकल मत कहो, हमारे दिल को तकलीफ होती है भाई। और दूसरी सजा, तुमको अभी हमारे साथ चल के अंदर चाय पीनी पड़ेगी इनके हाथों की। मुझ पे और मेरे मॉम डैड पर दहेज लेने का इल्जाम लगाया है आपने सासू माँ, अब तो रोशनी की जिंदगी में सब कुछ ठीक करके दम लूंगा मैं। आ जाओ भाई, आ जाओ अंदर, आ जाओ। एक मिनट, रुको 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 भाई, रुको। अरे क्या हुआ? नहीं रुको, क्या हो गया? रुकिए ना। अरे भाई कमाल है, बच्चों को बाहर खड़ा करके खुद अंदर भाग गई। आ रही हूँ बाबा। ओ हाँ, ये भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। आ जाओ, आ जाओ। हाँ, क्या कहा था? गले मिलना है। खुश? मैं भी छू? मैं भी? पुत्र चलो बैठो। रोशनी क्या देख रही हो? ये घर जरा छोटा है ना तुम्हारे लिए? सिद्धार्थ क्या बोल रहे हो ये? नो व्हाट, मैंने अपने लिए हमेशा से एक ऐसा घर और ऐसी छोटी छोटी खुशियां इमेजिन की थी। आई एम रियली हैप्पी। मेरी बीवी का ट्रिप भी अलग है लाइफ में। हाँ? हाँ? नहीं कुछ नहीं, बैठो ना। हाँ हाँ, अरे बैठो ना, बैठो बेटा, बैठो, अब भी बैठो। आ जा, आ जा, मैं चाय लेकर आती हूँ। हे भगवान, माय गॉड, मैं क्या करूं? किसी और के किचन में कहां से सामान ढूंढूं?
मत। अच्छी चाय बनी है ना? सुपर मॉम सुपर। ओह, ये तुम्हारी फोटो है? नहीं, प्रशांत की। प्रशांत। प्रशांत की। मेरा घर है ना, तो मैं तो अपने घर पे प्रशांत की फोटो लगाऊंगा। मेरी फोटो है बाबा, मेरा घर है, मेरी फोटो है, कैसे बेवकूफ वाला सवाल पूछते हो? टंबो कहेंगी। Excuse me? टंबो होगे तुम, फोटो में भी ऐसे दिखाई दे रहा है। How funny। ओ रोशनी बेटा, फोटो को छोड़ो ना, तुम बिस्किट खाओ। ये लो। ये साथ में कौन है? आपकी फोटो तो नहीं है ना ये आंटी? ये कोई जरूरी है क्या कि मैं अपनी सारी फोटोज अपनी मॉम के साथ ही खिंचाऊं? कोई और भी तो हो सकता है मेरे साथ, है कि नहीं? मासी है मेरी। हाँ, सिर्फ की मासी है, मेरी बहन है, लेकिन मेरी शक्ल नहीं मिलती ना। हाँ, लेकिन मासी है मेरी। ओफो, तुम लोग क्या फोटो के चक्कर में पड़ गए? तुम एक काम करो, बिस्किट खाओ। हाँ। एक मिनट। क्या हुआ? मैसेज है, मॉम का मैसेज है, मुझे जाना होगा। पर आंटी, इस चाय में बहुत प्यार था, मैंने आज से पहले ऐसी चाय कभी नहीं पी। थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से रियली सॉरी फॉर ऑल द कंफ्यूजन। अब फिर से सॉरी कहा ना तो यही घर में रख लूंगी, समझी? चले चल, छोड़ गया उसे। हाँ, हाँ, और किसी फोटो के बारे में पूछना है? करता रहता है उसे। Oh my God! मुझे तो लगा आज हम पकड़े ही जाते। हाँ, टेंशन हो गई थी। लेकिन रोशनी की मॉम कैसी अजीब है ना, इतना कंफ्यूजन फैला रही है वो। करने दीजिए मॉम, करने दीजिए, उन्हें जो करना है करने दीजिए, जितने तिगड़म लगाने हैं लगाने दीजिए, साम दाम दंड भेद, वो जितनी कोशिश करेंगी इस रिश्ते को तोड़ने की, उतना ही मेरा इरादा रोशनी से शादी करने का और पक्का होता जाएगा। मॉम, आपको कोई गलत फहमी हुई थी, मैं अभी उनके घर से आ रही हूँ। वो तो उनकी अपनी कोई पर्सनल शॉपिंग लिस्ट थी और हम उनको गलत समझ रहे थे ना। फिर भी बेटा, तुम्हें ऐसे वहां पर नहीं जाना चाहिए था, है तो लड़के वाले ही ना, क्या सोचेंगे? मॉम, लड़के वाले हो या लड़की वाले, आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि ऐसे में अपनी थिंकिंग चेंज करके हमें देश में बदलाव लाना होगा। और आई बिलीव कि हर चीज का सोल्यूशन बात करने से निकल सकता है। एंड अच्छा है ना कि सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। एनीवे मॉम, अभी मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। आई रियली हैव टू गो एंड स्लीप। गुड नाइट, टेक केयर। हमारी पर्सनल शॉपिंग लिस्ट थी, गरीब फर्नीचर कहीं के, कोई बड़ा तमाशा करना पड़ेगा। इन छोटे प्लान से बात नहीं बनने वाली, ये शादी रोकनी है मुझे। वो फटीचर सड़क छाप रोशनी को कभी खुश नहीं रख पाएगा। मैंने आप सब लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि अब जब रोशनी का रिश्ता तय हो ही गया है तो आप सब लोगों को भी सिद्धार्थ की फैमिली से मिल लेना चाहिए। बिल्कुल। ग्रेट, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना आज शाम को उन्हें डिनर पे बुलाया जाए। वाओ, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ग्रेट, तो ये सर ये लिस्ट है, शाम तक ये सारा सामान अरेंज करवा। हाँ। और स्पेशली जो शगुन के थाल हैं वो स्पेशल डेकोरेटर से बनवा लो, उन्हें भी तो पता चले कि पटेल खानदान के साथ रिश्ता जुड़ रहा है। बिल्कुल। चल।
देखा मोना कितनी बदल गई है मेरी बेटी। थैंक यू सो मच मॉम। अब लग रही है दोनों माँ बेटी है ना? तुझे क्या हुआ, तू क्यों इतनी कंफ्यूज लग रही है? जी कुछ नहीं बड़ी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मिडिल क्लास लोगों से रिश्ता कैसे जोड़ सकती है डीडी? आखिर डीडी को अपनी ईगो के आगे कुछ दिखाई ही कहाँ देता है। मगर उनके दिमाग भी चल क्या रहा है आखिर? ओहो बेबी, इसकी क्या जरूरत थी यार। लिसन बच्चू, तुम्हें नहीं आना तो तुम मत आओ, लेकिन मम्मी और पापा को जरूर भेज देना। I miss them. मतलब मम्मी पापा की बड़ी याद आती है तुमको? मुझे जरा भी मिस नहीं करते? कमाल है यार, मेरी कुछ परवाह है कि नहीं है? अच्छा सुनो, अब ज्यादा फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक टाइम पे 8 बजे पहुंच जाना और लास्ट टाइम की तरह लेट मत होना। ओके 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 बाय। और भाई किद्दा? किद्दा पापा जी, की हाल चाल? बढ़िया। किसका फोन था? किसका फोन होगा, आपकी होने वाली बहू का फोन था। अच्छा क्या कह रही है? वो कुछ नहीं कह रही, मेरी होने वाली सासू माँ कुछ कह रही है। क्या कह रही है भाई? ये कह रही है कि वो हमसे मिलना चाहती है और हमें सबसे मिलवाना चाहती है, डिनर पे बुलाया। तो फिर क्या है, कर दे। हाँ चलते हैं। अचानक से डीडी का इस तरह हमें घर बुलाना मुझे जरा अजीब लग रहा है। जरूर कोई नया ड्रामा करने का इरादा है मेरी सासू माँ का। सब ठीक है ना? एक दम सेट। मॉम ये क्या है? Yeah. इतनी भारी भारी रिंग्स, ये सॉल्टर देख के पकड़े जाएंगे। उतार दो ना मॉम इसको। नहीं, मैं नहीं उतारूंगी, तेरे डैड ने मुझे दिया। डैड ने समझाइए, इनकी रिंग्स के चक्कर में ना सारा प्लान चौपट हो जाएगा हमारा। अरे मैं उन्हें कह दूंगी ना कि अमेरिकन डायमंड है। मॉम ज्वेलरी एक्सपर्ट है वो। ओ मिसेस खुराना, क्या मुझे मालूम है कि आपका दिल नहीं मानेगा, लेकिन बेटे के दिल का सोचो, प्लीज उतार दो ना प्लीज। बहू को ज्वेलरी पहना रहे और मुझसे ज्वेलरी उतरवा रहे, ये लो। और कब तक चलेगा ये नाटक? सब बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा मॉम, फिलहाल के लिए प्लीज कॉपी, प्लीज 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 ये रखिए अपने पास। हाँ ठीक है ना, कॉपी तो करूंगी ना मैं। बहुत दूर हम आ गए। हेलो, हाँ रोशनी, हम नीचे है, नीचे वो मतलब लिफ्ट के पास है। ओके या ओके बाय बाय। आ रही है वो, अब आप लोग जरा हाइपर ज्यादा मत हो रहा, नॉर्मल हो जा रहा ठीक है ना? हम नॉर्मल है, लेकिन तू अब नॉर्मल हो रहा है, ये देख पसीना आ रहा है, ऐसे 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 कर रहा है। आप और इन कपड़ों में? हाँ जी मैं इन कपड़ों में। अरे यार ये मॉम डैड भी क्या बातें करने लग गए, रोशनी किसी भी वक्त आती होगी रिसीव करने के लिए। मिस्टर चोपड़ा, वो क्या है ना कि एक फ्रेंड रहते हैं ऊपर, उन्होंने कुछ फ्रेंड्स को घर पे बुलाया है और पार्टी की थीम रखी है मिडिल क्लास फ्रेंड्स। आई एम फीलिंग सो अनकंफर्टेबल आई टेल यू। थीम नेक्स्ट टाइम हम भी किटी में यही थीम रखेंगे। रोशनी यहाँ तो काफी रोशनी है। नहीं वो क्या है ना चोपड़ा साहब, मुझे आपसे वो बैंगलोर के होटल के बारे में कुछ बात करनी है। अरे हाँ वो तो बाकी है ना, आप प्लीज एक मिनट आएंगे? हाँ हाँ प्लीज। हाउ आर यू? अंकल वो गाड़ी पार्क करने नहीं, वो टैक्सी पार्क करने नहीं, टैक्सी वाले को पैसे दे रहे। पैसे देने का है? लेडी जी, उसके बाद सेठ अपनी मम्मा के पास आता था, मेरी निक्कर गीली हो गई है, चेंज कर दो। डैड छोटा सा था, अब देखो कितना बड़ा हो गया। शादी तक बात पहुंच गई भाई, समय कैसे बीतता है पता नहीं चलता ना जी। बिल्कुल बिल्कुल, आई विश मेरे भी कुछ मोमेंट्स मॉम को याद होते। दीदी जी आपका घर काफी सुंदर है। थैंक्स। एक्चुअली ये सब दुर्गा ने किया है।
मेरा मतलब है दीदी ने बहुत मेहनत की है उसने ये सब पाने के लिए। अब माँ इतना बड़ा घर चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, फ्री में तो आजकल कोई कुछ देता नहीं है। बबलू जरा चेक करना डिनर रेडी है ना। हाँ मैं कराता हूँ। मॉम क्यों ना मैं सिद्धार्थ को घर दिखाऊं? क्या है ना लास्ट टाइम जन्माष्टमी की प्रिपरेशंस की वजह से मैं दिखा नहीं पाई, तो आज क्यों नहीं? ऑफ कोर्स जरूर दिखा कर लाओ, अच्छा लगेगा इसे ये घर। इनफैक्ट सिद्धार्थ के मम्मी पापा को भी तो घर दिखाओ, इन्हें भी अच्छा लगेगा। पूल साइड डेक ऐसा वाला घर तो जरूर पसंद आएगा आप लोगों को। चलिए ना प्लीज आओ सिद्धार्थ। आइए मॉम प्लीज इधर चलते हैं।